स्वास्थ्य मंत्री सिंहदेव ने सरकार के स्कूल खोले जाने के निर्णय पर दिया बयान। बता दें कि राजधानी रायपुर स्थित निवास कार्यालय से स्कूल खुलने के पश्चात कोरोना संक्रमण का मामला बढ़ने पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बच्चों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने कड़ा निर्णय लिया है और स्कूल को खोलने की अनुमति दी है। इसका एक ही विकल्प है कि सावधानी बरतें, सावधानी के तौर पर स्कूल के स्टाफ का कोरोना टेस्टिंग हो। इसको सोच समझ के रिस्क लिया गया कि ऐसा हो सकता है, लेकिन क्या करें, बच्चों के भविष्य के साथ एक तरफ माना जाता है कि खिलवाड़ हो रहा है, दूसरी तरफ बीच में कड़ा निर्णय, एक कठिन निर्णय कैबिनेट में लेना पड़ा कि स्कूल 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं का चालू करें, वो भी स्वैच्छिक, उसमें कंपलसरी नहीं था कि आपको स्कूल आना है। माता पिता सोच समझ के अपना अगर रिस्क नहीं महसूस करते हैं तो बच्चों को भेज सकते हैं। नहीं भेजने में भी सरकार के ऊपर ये दबाव था कि आप पढ़ाई नहीं हो रही, भेजने में भी ये दबाव है कि संक्रमण फैल सकता है, तो इस बीच में बच्चों के पढ़ाई के हित को देखते हुए ये स्कूल खोले गए थे। एहतियात के अलावा इस परिस्थिति में भी कोई दूसरा विकल्प नहीं है, एक टेस्टिंग, जितने टीचर्स हैं इनकी टेस्टिंग होनी चाहिए, जो जो संस्थाएं हैं उनको हर टीचर की टेस्टिंग करा लेनी चाहिए, और जो बच्चे आ रहे हैं उनको एहतियात के तौर पे कहा भी गया है, ये गाइडी को भी कोई लक्षण ऐसे दिखते हैं तो उनको स्कूल आने से मना करना चाहिए और उनकी टेस्टिंग करा लेनी चाहिए। ये तो जो सिम्टोमेटिक हैं उनके साथ होगा, लक्षण नहीं दिख रहे और वो कोरोना को लेके चल रहे हैं, ऐसी स्थिति में ये मास्क पहनना और शारीरिक दूरी बना के रखना यही एक विकल्प है, क्योंकि वो स्थिति तो आम भी है।